पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रंगपानी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई है। इस टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी दोनों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी उसके मुताबिक सिर्फ दो डिब्बे उतरे थे, लेकिन हमने तब भी तस्वीर देखकर यह सवाल किया था कि जिस तरह की तस्वीर है कि गाड़ी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए, उसे देखकर लग रहा है कि ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी और दो से ज्यादा डिब्बे हमें लग रहे थे। और जो इस वक्त खबर आ रही है, आप जरा देखिए तस्वीरों को, देखिए वहां पर किस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। ट्रेन के पैसेंजर्स भी हैं, आसपास के ग्रामीण हैं। हालांकि वहां पर बचाव दल पहुंचा हुआ है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको तुरंत वहां से निकाले और जितनी जल्दी हो सके उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा सके। ये बड़ा रेल हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। और अगर आप दो तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो जो हालत है इस वक्त उस डिब्बे की, हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है ये कोच नंबर क्या है, उसके अंदर कितने पैसेंजर थे। हालांकि ये ट्रेन बिल्कुल भरी हुई चलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अच्छी खासी संख्या में पैसेंजर रहे होंगे। जलपाईगुड़ी से ये ट्रेन निकली थी और उसके बाद अगले स्टेशन पहुंचने से पहले ही ये हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि उसी ट्रैक पर मालगाड़ी थी। आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। तीन बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटल्टी हुआ है, कैजुअल्टी हुआ है, 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, तो आपने देखा कि वहां पर अब प्रशासन पहुंच चुका है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, आरएफ आरपीएफ सारे जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। दो तस्वीरों को आप देखिए कैसे बॉगी एक दूसरे पर चढ़ गई। जो जानकारी मिल रही है कि मालगाड़ी उसी ट्रैक पर थी और उसी ट्रैक पर आ रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और रफ्तार तेज थी और सीधे मालगाड़ी में टक्कर होती है और वो उसके कुछ डिब्बे क्षतिग्रस्त होते हैं और मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ जाते हैं। हालांकि अभी संख्या साफ नहीं हो पाई है, शुरुआत में जो खबर आई थी कि दो डिब्बे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दो से ज्यादा डिब्बे हो सकते हैं आके जो है, मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब एक दो जो है डेथ बॉडी मैंने अभी देखा है जो है। हाँ, लोकोमोटिव जो है वो भी बॉडी अटका हुआ है अभी भी। हाँ, वहाँ एक लोको पायलट जो है वहाँ तो अभी अटकी हुई है वहाँ पे। जी, तो अभी क्या, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? जी, अभी तो अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब उतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत बहुत हेल्प की है, यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है, ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटल्टी हुआ है, कैजुअल्टी हुआ है, 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअल्टी कितनी हुई है अभी तक? जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल, वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मद्रासा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ इंसिडेंट? पीछे से मालगाड़ी आके, ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद या सर आपका सर सुना, पुलिस अधिकारी का कहना है कि 5 यात्रियों की मौत हो गई। इनका कहना है कि 25 से 30 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और भी हम देख रहे हैं कि किसी और पैसेंजर को चोट तो नहीं आई है। इन्होंने कहा कि अभी जो हमने देखा है 5 यात्रियों की मौत हुई है, 25 से 30 जो घायल लोग हैं उनको नजदीक ले जाया गया है कैंप में, वहां पर उनको प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है और उसके बाद फिर उनको वहां से आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा पूरा फोकस है कि अंदर अगर कुछ और लोग फंसे होंगे तो उनको तुरंत निकाला जाए। ये बता रहे हैं कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी। उन्होंने कहा कि यह गैस कटर से मालगाड़ी के इंजन को काटा जा रहा है ताकि वो अलग अलग हो सके, क्योंकि आप तस्वीरों को आप देखिए तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कैसे पीछे से इंजन कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी के इंजन से टक्कर लगती है और उसके बाद देखिए कैसे एक
के ऊपर एक ये डिब्बे चढ़ जाते हैं और इस कोच की, इस बॉगी की तस्वीर देखिए, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है ये बॉगी, ये कोच। और शायद जो बात इस वक्त पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि 5 लोगों की मौत हुई है, जो डेड बॉडी हमने यहां से निकाले हैं, तो शायद वो यही डिब्बे में रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि अभी और आगे हमारी सबसे पहले इस वक्त कोशिश यह है कि लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाले, उन तक सहायता पहुंचाए, क्योंकि कई सारे पैसेंजर जो दूसरे डिब्बे में हैं वो पैनिक सिचुएशन में, वो डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, उन सबको तुरंत उनके गंतव्य तक भेजा जाए। Z News.